नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ वेलफेयर की नई और फ्रेश वीडियो में। जवानों के लिए टोल टैक्स छूट पर NHAI का आया फाइनल आदेश। तो चलिए दोस्तों, इस आदेश के माध्यम से जानते हैं कि क्या जवानों और रिटायर जवानों को टोल टैक्स पर छूट मिलेगी या नहीं। तो पूरी और सही जानकारी के लिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा ज़रूर देखें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिलेगी। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता ही होगा कि टोल टैक्स पर जवानों को छूट मिलती थी, लेकिन फास्टैग जारी हो जाने के बाद जवानों को टोल टैक्स छूट में कुछ बाधाएं उत्पन्न हो रही थी। तो उसी को लेकर भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की तरफ से एक स्पष्टीकरण जारी किया गया है। तो 3 जनवरी 2020 को ये लेटर लिखा गया है सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हेडक्वार्टर चीफ इंजीनियर बठिंडा जोन को। आप सब्जेक्ट में देख सकते हैं क्लैरिफिकेशन ऑफ एग्जम्पशन फ्रॉम पेमेंट ऑफ यूजर फी टोल टैक्स टू आर्म्ड फोर्सेज पर्सनल। दोस्तों यहां पे आपको बता दें कि सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हेडक्वार्टर बठिंडा जोन की तरफ से फास्टैग इम्प्लीमेंटेशन होने के बाद जवानों के लिए टोल टैक्स छूट के बारे में लेटर लिखा गया था 21 दिसंबर 2020 को नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को। तो इसके जवाब में ये लेटर जारी किया गया है और जवानों के लिए टोल टैक्स में छूट के लिए फास्टैग इशू करने के लिए NHAI ने जो लेटर जारी किया था 23 दिसंबर 2019 को, उसको नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से वापस ले लिया गया है, क्योंकि उसमें जवानों के लिए टोल टैक्स में छूट में समानता नहीं थी। और इंडियन टोल्स आर्मी एंड एयरफोर्स एक्ट 1901 और इंडियन टोल्स आर्मी एंड एयरफोर्स रूल्स 1942 के लेटर के अनुसार टोल टैक्स में छूट देने को कहा गया है, जिसमें कहा गया है कि ऑन ड्यूटी जवानों को टोल टैक्स में छूट दी गई है और रिटायर सैनिकों को टोल टैक्स में छूट नहीं दी गई है। और अगर कोई पर्सनल व्हीकल ड्यूटी के लिए यूज़ नहीं हो रहा है तो उसमें टोल टैक्स छूट नहीं होगी। तो इस ऑर्डर का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ से आप इसे अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि वीडियो में दी गई जानकारी ज़रूर आपके लिए यूज़फुल रहेगी। इसी के साथ जय हिंद जय भारत।